मीटर पे, तो हरारा बिल्कुल फुल हो चुका था, बिल्कुल एच। और अब देखे उसमें यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं अल-ताज़िज़ पे, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी मक्का ताज़िज़ में आए हैं। ये पीछे मैंने गारे हिरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट है, इसका मैंने एक बार पहले ही व्लॉग बनाया, अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख लें। सामने हमारा क्लॉक टावर है, और रास्ते में हमारे साथ एक मिस्ट्री हो गई। वो क्या हुई कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सुकून से आ रहे थे, लेकिन बीच में एक रोड ऐसा आया कि जब हमारी गाड़ी उस पर चढ़ी ना, तो अचानक बाबा की जब नज़र पड़ी गाड़ी के मीटर पर, तो हरारा बिल्कुल फुल हो चुका था, बिल्कुल एच पे हो चुका था। आप लोगों को क्लिप नज़र आ रहा होगा। अभी अभी आके हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रास्ते में ना कोई पंप था, बिल्कुल अंधेरा रोड था, थोड़ी थोड़ी देर बाद स्ट्रीट लाइट्स आ रही थी, बट ना कोई पंप, ना कोई सर्विस स्टेशन, या कोई ऐसी चीज़, कुछ भी नहीं था। इसीलिए फिर हम लोग बहुत आहिस्ता 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 आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो पहुँच गए मक्का। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आके खाने में ताज़िज़ खाते हैं, क्योंकि वो गोलगप्पे और चीज़ें खाने का ठंडा पेट भरा हुआ था। तो फिर यहाँ पर अभी ताज़िज़ खाने आए हैं, तो इसलिए फिर हमने कहा मक्का जाके खाएंगे। तो अभी अभी आके हमने गाड़ी यहाँ पार्क की है सामने, और उसको थोड़ा आराम दिया कि थोड़ी ज़रा ठंडी हो ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर चलने के काबिल हो जाएगी। समझ ये नहीं है कि हुआ क्या था इसको। अब जब सुबह बाबा इंशाल्लाह अपनी शॉप पर जाएंगे, तो वो शॉप पर जाकर गाड़ी को चेक करेंगे, और फिर पता चलेगा कि मसला क्या था। तो वैसे अभी इंशाल्लाह खाना आने का वेट है, उसके बाद फिर आप लोगों को खाना दिखाते भी हैं, और फिर चाहता है रिव्यू भी। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है दज्जाद फूल स्पाइसी, इसमें रेगुलर स्पाइसी होता है, लेकिन हमारे स्पाइसी है, ठीक है। तो ये हमने खोला, ये तो लग रहा है जैसे उन्होंने चूजे की बनाई है, बट खैर ठीक है। अदरवाइज बहुत बिग साइज होता है माशाल्लाह इसका। ये साथ आई है, साथ के फ्रेंच फ्राइज है, मील है ये फ्रेंच फ्राइज है, और साथ आती है की कोल्ड ड्रिंक, और साथ आता है तहीना गार्लिक सॉस और केचप। तहीना मैंने खुद लिया, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले हम खोलेंगे तहीना, इसको इस तरह से खोलना है प्यार से। सॉरी वो थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया, कोई बात नहीं, इतना बाहर से आटा डालना फिर नहीं होगा। उसके बाद फिर अब इसमें हम डालेंगे ऐसे केचप को, नहीं और ये गया केचप, फिर केचप के साथ तहीना जो मिक्स होने के बाद पता चलता है ना इसके, वो है। इसके बाद एक बड़े से साइज का सख्त जान फ्रेंच फ्राइज लेंगे, और फिर ये किया हमने अच्छे से फुल मिक्स। इसका तहीना बहुत मजेगा, बरसात आए हैं खूब, यानी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर अभी यूज कर हमने ये तहीना खोल लिया, और अब यहाँ पर हम खोलेंगे गार्लिक सॉस। मुझे इनकी रेगुलर पसंद है, बट ये है स्पाइसी, क्योंकि अभी इनके पास रेगुलर अवेलेबल नहीं है। रात के टाइम में आप लोगों को बताऊँगा। 170 हो गए, बस स्पाइसी था। कैमरा मैन को भूख लगी है, और मैं उनके सबर के इम्तिहान ले रहा हूँ। तो अब इसके बाद आते हैं, ये देखें इसके नीचे ना, इस तरह करके इसके नीचे भी खुश पड़ा होता है, और ये देखिए उसको आपको खाने का तरीका होता है। यहाँ से लेग पीस देखते हैं, इस पर ट्विस्ट करना है, और फिर इसकी टेंडरनेस चेक करें आप। ये धुआं दिख रहा है आप लोगों को उसका, अगर अब ये देख दिखाई नहीं दिया कैमरे में, कोई बात नहीं। उसका हमने लेना खूब ऐसे करके,
उसको भी तोड़ लें, उसके बीच में इस तरह इसको ऐसे रखेंगे। ये एक फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा सा तेंगुना और गार्लिक सॉस छुप गई है मेरी खीर। और ये आ गई जी गार्लिक सॉस, और अब देखे इसमें ये बहुत मज़े का है। मैं तो इसको बचपन से खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आज भी हमारा फ्रेंड उन्हें कल्ताज़ खाते हैं। बहुत मज़े का है ये। लोकेशन आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज सऊदी आकर ताज़ सर्च करें तो कहीं पर भी अवेलेबल होगा। बाकी अब इंशाल्लाह भूख लगी है हमारे कैमरा मैन को, उनसे ज़रा इनके थोड़े बहुत रिव्यूज लेते हैं और उनको खाना खाने देते हैं। कैमरा मैन पकड़ लिया, कैमरा एक हाँ उसकी फिक्र ना करो। ये वाला ले लो, नरम एक ही बात होती है, ये वाला लो आप। ये नहीं बताना, चलो खाओ, ऑन है, चलो ये निवाला बनाओ, एक्टिंग ना करो। आए हाय हाय, आप ये वाला चख लो, ये गार्लिक सॉस और ये तहीना, थोड़ा सा लगाना। हाँ इसको वैसे भी तहीना पसंद है, बस बहुत गार्लिक सॉस ऐसे नहीं आएगी, इसको डिप करना पड़ेगा। और ये मेरी तरफ से, चलो भाई इसमें लगा। बाबा भी गाड़ी को चेक करने लगे, बुरा थोड़ा सा खाना बस। हुआ क्या था गाड़ी को? बहुत पानी टेम्परेचर कर रही है, सुबह देखूंगा शॉप पे जाके, अभी तो अंदाजा था कि शायद पानी ना गिरेगा, लेकिन पानी पी। तो बाबा ने आप लोगों के सामने गाड़ी को चेक कर लिया, गाड़ी का पानी माशाल्लाह तबारकअल्लाह बिल्कुल पूरा था और कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं नज़र आ रहा था बज़ाहिर। फिर ही बाबा ने कहा निकल जाए गाड़ी को चेक करूँगा, और फिर पता चल जाए गाड़ी में मसला क्या हो रहा था। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और आप लोग को भी मज़ा आया होगा मेरी वीडियो को एंजॉय करके, मेरी वीडियो को देख के। और तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि आगे आप लोग किस टाइप का फूड देखना पसंद करेंगे और किस टाइप का व्लॉग या क्या चीज़ आप लोगों को देखनी है। और फिर शेयर भी कर देना ताकि जो मज़ा देखने का आप लोगों को आया है, तो जिसको आप लोगों ने वीडियो शेयर की होगी उसको भी उतना ही मज़ा आए जितना कि आप लोगों को आया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर अपना एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यार सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, मस्ट है वो चीज़। और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नए अच्छे फूड व्लॉग या किसी ज्यारत वाले या किसी और घूमने फिरने वाले व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे साथ जुड़े रहिएगा एज अ मेरी यूट्यूब फैमिली बन के, ताकि हर आने वाला व्लॉग आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके और आप लोग उसको बखूबी इंजॉय कर सकें। तो बस जजाकल्ला खैर, अल्लाह हाफिज़।